नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड डाउनलोड के बारे में। अगर आप डाउनलोड किए होंगे आधार कार्ड, तो आप देखे होंगे कि दो तरह से आधार कार्ड डाउनलोड होता है। एक इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, एक इस तरह से। एक पूरी आधार कार्ड जो पूरा जो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड होता है वो पूरी दिखाई देंगे। अगर आप नहीं चाहते उस तरह का आधार कार्ड डाउनलोड करना, तो आप इस तरह से भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इसका जो साफ बात है, ये जो आधार कार्ड का जो 4 डिजिट लास्ट में जो दिखाई देते हैं, वो लास्ट का 4 डिजिट आपको इस आधार कार्ड में दिखाई देंगे। इसमें पूरे आधार कार्ड का जो नंबर होता है, आप पूरे आधार कार्ड का नंबर के साथ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं दोनों का प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे आप अपने मोबाइल के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो मैं वो बात बोलने वाले नहीं। अगर आपका दिल में इच्छा है तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको अपना मोबाइल ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पे सर्च करते हैं, UIDAI की, तो उस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नए पेज ओपन हो जाएंगे, जो आधार कार्ड UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि आप कहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इस वेबसाइट के अंदर से। तो चलिए इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा ऊपर करते करते जाना है। और जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड आधार। तो डाउनलोड आधार का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाएंगे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार नंबर डाल लेना है, और आधार नंबर डालने के बाद जो मेन फार्मूला जो यहाँ आता है, यहाँ पे जो नीचे में दिखाई दे रहा है, आई वांट ये मास्केड आधार। अगर आप मास्केड आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब आपका आधार कार्ड में जो लास्ट के 4 डिजिट हैं आप उसे दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप उस तरह का आधार कार्ड नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे नहीं चेक कीजिएगा। अगर आप 12 डिजिट का आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेक नहीं कीजिएगा। अगर आप लास्ट के 4 डिजिट आपके आधार कार्ड का जो आधार नंबर होता है, आप 4 डिजिट दिखाना चाहते हैं, आप वहाँ पे चेक कर दीजिए। तो चलिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर लिए कैप्चा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम सेंड OTP पे क्लिक करने वाले हैं, और सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाएंगे, जो OTP के रूप में आएंगे। वह 6 डिजिट का होगा या 6 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर का जो आपके सामने जो OTP आया है, उसे आपको कहाँ फिल करना है, उसे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे सेंड OTP पे हमने कर दिए हैं। यही मोबाइल में ही मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में, वो हमने इसी मोबाइल पे लगा रखा है। तो उसके देखिए इसी मोबाइल में हमारा OTP आ चुका है। यहाँ पर हमारा OTP नंबर जो दिखाई दे रहा है, 5813, ये हमारा OTP है। अब इसी तरह से आपका भी OTP आएगा। अगर आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो, अगर नहीं है तो आपका डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको, अगर आप चाहते हैं डिड यू नाउ, अगर आप आधार कार्ड रीप्रिंट का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है। अगर चाहते हैं तो ठीक है, यस कर दीजिए, और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कीजिए। हम यहाँ पे बहुत सारे आधार कार्ड डाउनलोड कर लें, इसीलिए यहाँ पे हम नो करने वाले हैं, नो हमने कर रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप कितने दिन के अंदर में आपको डिलीवरी पहुँचेगी, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, उसमें किसी में टिक कर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर टिक कर लिया, चलिए किसी में भी टिक कर लेते हैं। और टिक करने के बाद आपको वेरीफाई एंड आधार डाउनलोड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएंगे। वो मैसेज किस तरह से मैसेज आएंगे आपके मोबाइल में, हम आपको दिखाने वाले। चलिए मैसेज को ओपन करते हैं और देखते हैं कि मैसेज में क्या है। चलिए हम यहाँ पे मैसेज को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैसेज ओपन करने के बाद
कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा, जो यहाँ पे डियर मनोज लिखा हुआ है, और इतना 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 नंबर इज वर्चुअल आईडी फोर, और आधार नंबर एक्स 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 करके 4641 नंबर, आधार नंबर लास्ट का जो 4 डिजिट है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको एक मैसेज भेज दिया जाएगा। अब जो हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है, उस आधार कार्ड को ओपन करना है, मतलब PDF को ओपन करना है, आप पे पासवर्ड दिखाई दे रहा है। पासवर्ड यहाँ पे क्या होगा, ये मेन बात होता है, यही बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका नाम है उसके आगे में जो 4 नंबर, मान लीजिए कि मेरा नाम मनोज है, तो MENO जो चार वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ABCD का जो अक्षर आ रहा है यहाँ पे, उसे टाइप कर लेना है। और टाइप करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसे यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, सब बड़े लेटर में डालना है। बड़े लेटर में डालने के बाद यहाँ पे आपको मतलब जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है वो लास्ट में डालना है। ईयर डालने के बाद आपके सामने आधार कार्ड ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए, हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, और डाउनलोड कर रखा है, और अभी भी डाउनलोड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा हो चुका है, और आप देख लिए होंगे कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और सीख लिए होंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये बात हम नहीं बोलने वाले हैं, अगर आपका दिल में इच्छा है तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप चलिए, टाटा बाय बाय, हम भी चलते हैं।